Hey guys, welcome back to my channel. आज हम यहाँ पे बात करने वाले और की ओर से जो वायरलेस साउंड बार है और एक जो साउंड बार है वो आपको यहाँ पे 10 वोल्ट आउटपुट के साथ मिल जाता है। तो चलो जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से कौन कौन सी एसेसरीज हमें यहाँ पे मिलती है। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से इस बॉक्स का अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से एसेसरीज मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसके बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको और कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सामने वाले पार्ट के ऊपर आपको ब्लूटूथ स्पीकर का जो एक्चुअल इमेज है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो साउंड बार वायरलेस है वो मिल जाता है। और अगर जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से कौन कौन से कंटेंट वगैरह। पहले तो मैंने ओपन करके देख लिया है भाई, ऐसे तो भाई बहुत एक्साइटेड था साउंड बार ओपन करके, साउंड एक्सपीरियंस लेने के लिए इसलिए ओपन किया था भाई। इस तरीके से अपना जो साउंड बार है वो आपको यहाँ पे रखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर से बात करें तो भाई यहाँ पे तो आपको एक भाई अभी ये ऑनलाइन का क्रेजी हो चुका है भाई। इसके अंदर से आपको प्लीज़ गिव अस रेटिंग, प्लीज़ चार्ज बिफोर यूज़ भाई। इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको चार्ज करना होगा, ऐसी नोटिफिकेशन आपको दी गई है। ऑक्स केबल का जो केबल आता है वो मिल जाता है और इसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ, जो एक इस प्राइस रेंज के मुकाबले अच्छा है, लेकिन टाइप सी होता तो काफ़ी अच्छा होता। एक चार्जिंग करने के लिए जो केबल आता है वो मिल जाता है और इसके अलावा हर एक प्रोडक्ट के साथ आता है नॉर्मल सा यूज़र मैनुअल आपको काफ़ी छोटा मिल जाता है। काफ़ी अच्छी बात है भाई, पेपर वगैरह बच जाएंगे। चलो जल्दी से इन सबको साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे मेन साउंड बार के बारे में देखते हैं। तो जल्दी से साउंड बार को इस प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं भाई। काफ़ी अच्छा और प्रीमियम बिल्ड एंड क्वालिटी आपको यहाँ पे ऐसे देखने के मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे जो इसका आगे वाला पार्ट है वो मेटल नेट टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी ऑड की अपनी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसके टॉप वाले पार्ट में आपको कुछ फंक्शन बटन देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाती है। अब इसके पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे इस स्पीकर को ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो दिया जाता है। ऑक्स केबल का पोर्ट देखने को मिल जाता है। पेन ड्राइव वगैरह भी आप यहाँ पे आसानी से इसके साथ यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो माइक्रो एसडी कार्ड आता है उसका आप यूज़ डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे 5 वोल्ट का डीसी चार्जिंग का पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके नीचे और की थोड़ी बहुत मॉडल नंबर और स्पीकर वगैरह आउटपुट वगैरह की डिटेल देखने को मिल जाती है। अब जल्दी से इसको मैं अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको कैसी मिलने वाली है। इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट 10 वोल्ट के साथ आता है उसके मुकाबले यहाँ पे इसकी जो स्पीकर की लाउडनेस है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी, मतलब एवरेज से ऊपर है। मतलब मैं यहाँ पे इसके बेस क्वालिटी का रेटिंग दूँ तो मैं यहाँ पे इसको 4 रेटिंग देने वाला आउट ऑफ 5। और गाइस इसके अलावा यहाँ पे इसके ट्रबल्स वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे इसके साथ रन कर सकते हो। मतलब ऑल ओवर साउंड एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर को 3.8 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने वाला हूँ भाई। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी इस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर, मतलब कि जो एक साउंड बार है इसके अंदर आपको मिल जाती है। अब बात करें इस ब्लूटूथ स्पीकर के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो गाइस ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ मिल जाता है। थोड़ा सा डाउनग्रेडेड आपको वर्जन मिल जाता है ब्लूटूथ का 4.2। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5 होता तो काफ़ी अच्छा होता। इस प्राइस रेंज में मुकाबले 4.2 भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिविटी की रेंज है वो आपको यहाँ पे अप टू 10 मीटर तक की देखने को मिल जाती है। और हाँ गाइस इस ब्लूटूथ स्पीकर के बैटरी के बारे में पहले तो बात करें तो भाई आपको यहाँ पे 2200 mAh, मतलब 2200 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाता है। और इसको चार्ज करने के लिए आपको अप टू
आवर्स मतलब 1.5 आवर्स का टाइम लगने वाला है। जी हाँ, मतलब काफ़ी कम टाइम में ये 2200 mAh का बैटरी बैकअप आपको चार्ज हो जाने वाला है। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका जो प्ले टाइम है वो भी आपको ये 10 वोल्ट आउटपुट के साथ आता है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे 10 से 12 घंटे का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। 70-80% वॉल्यूम पे अगर आप इसको प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 10 से 12 घंटे का प्लेबैक टाइम आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके अदर ऑडियो फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे बिल्ट इन माइक्रोफोन मिल जाता है, मतलब कि आप कॉल वगैरह भी यहाँ पे साउंड बार से अटेंड कर सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर एडवांस नॉइस कैंसलेशन भी मिल जाता है, मतलब कि जो फीचर्स और इसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड एंड क्वालिटी, इन सब को मिला के यहाँ पे इसके ऑल ओवर रेटिंग की बात करूँ तो गाइज मैं यहाँ पे इसको 4 out of 5 रेटिंग देने वाला हूँ। भाई इसके जो एक ही डाउनग्रेड है भाई, ब्लूटूथ का जो वर्जन है 4.2 दिया है, इस प्राइस रेंज के मुकाबले मेरे ख्याल से 5 होता तो काफ़ी अच्छा होता। और साथ में आपको कई सारे पोर्ट इस साउंड बार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ऑक्स केबल का पोर्ट है, पेन ड्राइव वगैरह भी डायरेक्ट आप यहाँ पे इसके साथ अटैच करके इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज़ करके भी आप इस साउंड बार का यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर आपको बिल्ट इन FM रेडियो भी मिल जाता है, मतलब कि काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह कुछ है तो मैं यहाँ पे भाई इसको 4 out of 5 रेटिंग देने वाला हूँ। साउंड क्वालिटी भी मुझे तो इस प्राइस रेंज के मुकाबले काफ़ी हद तक अच्छी लगी है और इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी भी भाई काफ़ी अच्छी तो है ही। तो यहाँ पे इसका जो रेटिंग की बात कर दी है मैंने भाई 4 out of 5 देने वाला हूँ। अगर आप इस ब्लूटूथ के ऊपर, मतलब कि आप अगर रूम वगैरह में कुछ रखने के लिए कोई ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये जो साउंड बार है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अंडर 1000 रुपीज़ के आसपास आपको ये साउंड बार देखने को मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसको परचेस करने के लिए इसकी जो परचेस लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देने वाला हूँ, आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हो।